इस हमता पास वाले रास्ते पर ये 4x4 गाड़ी नाश्ती हुई जा रही है, और ये पिकअप है जो ढलान होते हुए आराम से चल के और हमारे पास इस ढलान पर ही रोक दी गई और वापस भी स्टार्ट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कारण इस वीडियो में जानेंगे। और कुछ गाड़ियाँ रुकती हुई जा रही है और कुछ आराम से निकल रही है। ये मोड़ कौन सा है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है हमता पास वाले रास्ते पर, सब इस वीडियो में जानेंगे। टीम के साथ हम घूमने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमें स्नोफॉल। कैसा लगा आपको घूम के बताओ? अच्छा। रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। गूगल मैप की बात करें तो हमता पास ज़रूर सर्च कीजिएगा, लोकेशन बताई जाएगी, लेकिन इसका ट्रेल रास्ता नहीं बताया जाएगा। हम वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं और इसमें आने वाली जो दिक्कत है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ कितनी दूरी है, यहाँ परमिट किस प्रकार बनता है, यहाँ आने के लिए परमिट की आवश्यकता रहती है, और इसका रूट भी हम दिखा रहे हैं, और साथ में क्या क्या स्नो एक्टिविटी होती है, कौन से कैफे ढाबा होटल्स अवेलेबल हैं, और स्टे के क्या ऑप्शन है, सब चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारी टीम के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी टीम को मोटिवेट कीजिएगा, और हमारे साथ घूमना चाहें टीम के साथ तो ईमेल और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अपने मोबाइल नंबर लिखते हुए हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें, मनाली से हमटा पास की दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है हमटा पास। और इस पर आप कहाँ तक जाते हैं उस पर निर्भर करेगा। लोग ज़्यादातर एक डैम बना हुआ है उस डैम तक जाते हैं, उससे पहले भी वेदर कंडीशन पर निर्भर करेगा। और रोड हम दिखा रहे हैं, गूगल पर नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं, और कहीं कच्चा है कहीं पक्का है, और हर मोड़ आपको एक नई चुनौती और नया एक रोमांच लेकर आता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी किस प्रकार उछल रही है, तो वीडियो शूट करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो हमें मोटिवेट कीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, और यहाँ आने के लिए परमिट की तो आवश्यकता है, उससे पहले यहाँ किन लोगों को आना चाहिए। ऐसे लोग जो नेचर के करीब प्रकृति प्रेमी है, एकांत पसंद करते हैं, पूर्ण शांति चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह लोकेशन एक जन्नत या स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। तो ऐसे लोग यात्रा करने के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। प्रकृति का भरपूर असीम शांति का अनुभव यहाँ आप कर पाएंगे। हमता पास मनाली में कौन कौन सी स्नो एक्टिविटी होती है? यहाँ सोलंग वैली मनाली में जितनी स्नो एक्टिविटी होती है उतनी एक्टिविटी नहीं होती है। इसका कारण आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एकांत पसंद लोग आते हैं, तो वो जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो नज़दीक ही सोलंग वैली जाते हैं। और यहाँ आप खुद जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे स्लाइड करना, ट्यूब राइड करना, ये प्रमुख एक्टिविटी है। और आप चाहें तो स्नोमैन बना सकते हैं, बर्फ़ का स्नोमैन बनाकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन है। और साथ में योगा और मेडिटेशन करना चाहें तो उसके लिए भी आपको ये लोकेशन सूटेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। हम आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा यदि आप यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि हर मोड़ यहाँ आपको एक चुनौती प्रस्तुत करेगा, हर मोड़ एक अलग नज़ारा प्रस्तुत करेगा, हर प्रकार की अलग प्रकार की आपको यहाँ ड्राइविंग स्किल आना चाहिए, तभी आप खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हैं। आगे जो गाड़ियाँ फंसी या
किस प्रकार निकाले वो सब बताने वाला हूँ, कहाँ दिक्कत रहती है और यहाँ स्टे के क्या ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ बहुत ही बेहतरीन, जो मनाली में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ आप इग्लू स्टे कर सकते हैं, इग्लू के अंदर रह सकते हैं। इसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। और हम भी इग्लू की बुकिंग करवाने में सक्षम है। और गाड़ी आप इग्लू के लिए इस रास्ते के अंदर आता है सेथन विलेज, जो इग्लू विलेज के नाम से फेमस है, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा डोम स्टे भी कर सकते हैं। डोम यानी कि गोल डोम नुमा एक टेंट होता है, उसके अंदर भी आप रह सकते हैं। और होम स्टे तीन है, इग्लू स्टे, होम स्टे और डोम स्टे यहाँ अवेलेबल है। अब हम बात करें यहाँ खाने पीने और ब्रेकफास्ट की क्या फैसिलिटी है। जी हाँ, चाय, मैगी और ब्रेकफास्ट की सुविधा आपको मिल जाएगी। और निवेदन रहेगा कि प्लास्टिक यहाँ इस सुंदर जो मनोरम वातावरण है इसके अंदर मत फैलाइए, अपने होटल के अंदर ले जाकर आप वहाँ डाल सकते हैं। हमटा पास पर कौन सी गाड़ी लेकर आएँ, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 4x4 गाड़ी लेकर यहाँ आइएगा। और स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस यदि आप रखते हैं, स्नो ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पर आप गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि स्नो और ब्लैक आइस रोड स्लिपरी है और ऊपर नीचे है, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, गाड़ी खाई में भी जा सकती है। इसी में लोकेशन की बात कर रहा था, यहाँ यू आकार का टर्न भी है और इसमें चढ़ाई भी है, क्लाइंबिंग भी है और यू टर्न भी है। तो इस टर्न में विशेष ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कालजांग मोड़। कालजांग मोड़ के ऊपर दिक्कत हो जाती है, इसका यदि आप कहेंगे तो अलग से वीडियो लेकर आ सकता हूँ कि क्या किस प्रकार यहाँ स्नो ड्राइव करनी चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था, इस गाड़ी को आप ध्यान से देखिएगा कितनी चढ़ाई है, फिर भी 4x4 गाड़ी न होते हुए भी ये आराम से निकल रही है। तो इसका कारण इसके टायर को ध्यान से देखिएगा तो अपने आप में ही समझ में आ जाएगा। इस मोड पर हमारे लिए इन्होंने रोकी तो इसमें देखिएगा स्नो चेन लगी हुई है, स्नो चेन का ये करामात है। और यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं वो स्किल स्नो ड्राइव का अच्छा स्किल रखते हैं। तो इस प्रकार का यदि अनुभव लेना है तो आप हमारी टीम के साथ भी आप घूम सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर हैं। ये कालजांग ढाबा भी है और मोड़ भी है। यदि आपको लगता है कि इस कालजांग मोड़ में आप अपनी गाड़ी आराम से निकाल लेंगे तो आपका स्वागत है इस हिमलोक में, इस बर्फ लोक में। हमटा पास इसलिए खास है कि यहाँ बर्फ़ हिमलोक के रूप में दिखाई देती है। यहाँ आने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जो ऑफलाइन बनता है, ऑन दी वे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप हमारी टीम का सपोर्ट कीजिएगा, इस बर्फीले वातावरण में आपके लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रही है। और अच्छा सा कॉमेंट, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।